जय श्री कृष्णा। यूट्यूब परिवार को आशा यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ब्यूटिशियन से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड पार्लर का 10 साल का अनुभव है। इस ब्यूटी पार्लर फील्ड में मैं कार्यरत हूँ। मेरे चैनल का नाम आशा ब्यूटी पार्लर है। मैं आशा करती हूँ आप मेरे ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको फेम सेफ्रॉन एंड मिल्क ब्लीच के बारे में बताऊंगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। फ्रेंड्स, मैं भी यही ब्लीच यूज़ करती हूँ और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है फेस पे, और मेरे कस्टमर भी इस ब्लीच से बहुत संतुष्ट है। तो मैं आपको फेम ब्लीच की जानकारी देती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है। यह है ब्लीच क्रीम, एक्टिवेटर पाउडर, और ब्लीच क्रीम। ये क्रीम को पहले फेस पर लगाया जाता है, उसके बाद ब्लीच लगाया जाता है। और ये स्पून है, इससे मेजरमेंट, इससे क्रीम का मेजरमेंट और इससे एक्टिवेटर का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, इसे कैसे लगाया जाता है, कितनी देर रखा जाता है, इसमें सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी एज 25 से 30 है तो आप महीने में एक बार इसको आराम से यूज कर सकते हो, और अगर उससे कम हो तो दो से ढाई या तीन महीने बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप कोई भी अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस धो लीजिएगा, या फिर टिश्यू या पेपर या कॉटन की सहायता से फेस को अच्छे से क्लींजिंग मिल से क्लीन कर लीजिएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप ब्लीच और एक्टिवेटर को मिक्स कीजिएगा। आप पहले इसको मिक्स करोगे, उसके बाद फिर आप क्लीन करोगे, तो वो ब्लीच अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा। इसके फायदों की बात करूंगी फ्रेंड्स, तो किसी के फेस पर ज़्यादा बालों की ग्रोथ रहती है, तो ये ब्लीच उसका उस बालों को हल्का करता है, लाइट करता है, उसका कलर गोल्डन करता है, और जब आप मेकअप करोगे तो आपके फेस पर ये एक्सेस बाल की ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, और ब्लीचिंग करने से ये हाइड हो जाते हैं, इससे टैन रिमूव होता है, डस्ट निकलता है फेस से, और ब्लैकनेस दूर होती है, एक्सेस ऑयल कम होता है, पिंपल्स भी बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। सन टैन ठीक होता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है। ब्लीच धूल मट्टी डस्ट पॉल्यूशन से जो हमारी स्किन काली पड़ जाती है, ब्लीच करने से वो सब टैन रिमूव हो जाता है। स्किन सॉफ्ट शाइनी ग्लो करने लगती है। इसको 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद टिश्यू की सहायता से बाउल में पानी लेकर टिश्यू गीला करके इसको रिमूव करना है। इसके बाद 5 से 6 घंटे आपको सोप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, और ना ही कोई मेकअप या अन्य प्रोडक्ट यूज़ करना है। आप फेशियल कर सकते हो और क्लीन कर आप सकते हो, फेशियल या क्लीन अप आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको वो भी नहीं करना हो तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का मॉइस्चराइजर से फेस पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिएगा। ब्लीच करने से फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और अगर आप स्क्रब मसाज करोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक बात और, ब्लीच करने के बाद आप धूप में मत निकलिएगा। अगर आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है तो फेस को अच्छे से कवर करके या ढक कर जाइएगा। और हाँ, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ब्लीच की टाइमिंग कम कर दीजिएगा, 5 से 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रखिएगा। और उसके बाद रिमूव करने के बाद रोज़ वाटर से अच्छे से फेस पर स्प्रे करके थोड़ा सा मसाज करके छोड़िएगा। स्प्रे करके छोड़ना है 2 से 3 मिनट, और आप आइस क्यूब से मसाज भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ब्लीचिंग के बाद इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन,
डार्क सर्कल्स, सन टैन, डस्ट, डलनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो जाती है। स्किन ग्लो शाइन करती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।